आरा नगर निगम की नव निर्वाचित मेयर रूबी कुमारी जी को मैं बहुत ही बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ एवं उम्मीद करती हूँ कि उनके कार्यकाल में आरा नगर निगम ऊंचाइयों को छुए और सफाई के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में एवं अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में आरा नगर निगम पूरे बिहार में सबसे पहले स्थान पर रहे। मैम, देखा जा रहा है कि अभी तक जो आरा की स्थिति बनी हुई है, सबसे बदतर स्थिति अभी आरा शहर की है। रोड नहीं है, जगह जगह पर गड्ढे हैं। क्या लगता है, नहीं मैं कुछ कर पाएंगे? पूरे शहर में ऐसी स्थिति नहीं है, कहीं कहीं पे है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, कहीं कहीं पे स्थिति ऐसी है और नए मेयर से हम लोगों की उम्मीदें हैं, वे ज़रूर कुछ अच्छा करेंगी। लेकिन अगर स्वच्छता के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए नए मेयर के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि वे क्या क्या कर पाती हैं। मैम, समय भी तो कम है, क्या लगता है आपको? समय बिल्कुल कम है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो नव निर्वाचित मेयर हैं रूबी कुमारी जी, इनके कार्यकाल में आरा नगर निगम में स्वच्छ साफ सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था और जो गलियों का पक्कीकरण वगैरह तो ऑलमोस्ट हो चुका है, जहां कुछ थोड़ी बहुत बाकी है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि उस काम को बखूबी अंजाम देंगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। मैम, अभी आरजेडी के एक विधायक का नाम सामने आया है महिलाओं के कुछ दुर्व्यवहार के लेकर, आप भाजपा की महामंत्री क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के हित में? देखिए, आरजेडी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, ये किसी एक विधायक की बात नहीं है, पूरी पार्टी में जितने भी विधायक हैं लगभग सबों की कमोबेश यही स्थिति है। और संदेश विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं अरुण यादव जी, इनके बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो वो कम है। पूरा भोजपुर जिला जानता है इनके बारे में कि इनकी क्या गलत नीतियां हैं और इस सेक्स स्कैंडल में जो ये पकड़े गए हैं और इसमें नीतीश जी देरी कर रहे हैं। हमारे बिहार की जो सरकार है, हालांकि हम भी गठबंधन में हैं, तो इनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक महिला होने के नाते, किसी महिला के साथ, नाबालिग के साथ जो सेक्स का स्कैंडल का मामला आया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसको सरकार को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरुण यादव जी पे गंभीर से गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, पॉक्सो एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करके इनको अविलंब सजा दी जानी चाहिए। मैम, भाजपा इस विषय पर क्या कर रही है? एनडीए सरकार है, भाजपा जुड़ी हुई है, आप महिला मोर्चे हैं, इसे आप क्या कर रही हैं महिलाओं के लिए? अभी इस मामले में जांच चल रही है और पुलिस जब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं आ जाती है तो थोड़ी सी कार्रवाई में इसी वजह से देरी हो रही है, क्योंकि जो पीड़िता है तो उनका बयान कभी कभी ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि कभी कभी बयान जो बदल जा रहा है, क्योंकि इनका जो फ्लैट नंबर है वो कभी इनका फ्लैट नंबर बताया जा रहा है और कभी किसी और फ्लैट का नंबर बताया जा रहा है। पुलिस जांच में लगी है, अनुसंधान जारी है और जैसे ही कंफर्मेशन होता है इन पे कार्रवाई अविलंब होगी। हम लोग एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, हम लोग इस मामले को कभी भी दबाने वाले नहीं है, प्रमुखता से इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और उनकी गिरफ्तारी होकर रहेगी। मैम, भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें आपके द्वारा अभी तक कितने सदस्य जुड़े हैं? भाजपा के सदस्यता अभियान में मैं तरारी विधानसभा की प्रभारी बनाई गई हूँ और आज वहाँ सदस्यता अभियान का शुभारंभ तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तरारी विधानसभा में और पहले भी ये अभियान चल चुका है, बट आज विधानसभा वार आज कार्यकर्ताओं की बैठक है, शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक है और इस बैठक में हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे। इस अभियान में और तेज़ी लाने के लिए हमें क्या क्या करना है ये हम अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे, अपनी रणनीतियाँ बनाएंगे और आगे इस अभियान को, चूँकि 11 अगस्त तक ये अभियान चलना है, 6 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 11 अगस्त तक चलेगा, तो हमारे पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम अपनी रणनीतियों को काफ़ी मजबूत बना करके इस अभियान में और तेज़ी लाने का काम कर रहे हैं। और लगभग मेरे द्वारा सैकड़ों लोगों को सदस्यता दिलाई जा चुकी है, सहार में भी मैंने सदस्यता अभियान चलाया, आरा में भी मैंने चलाया और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने साथ अपना फॉर्म लेके चलती हूँ और हर जगह लोगों को सदस्यता दिलाती हूँ। रानी राय, महामंत्री, महिला मोर्चा, भोजपुर।